वेलकम टू ऑल अपन चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोमेट का वीडियो, जिसको मैंने फ्लावर की शेप में बनाया हुआ है और इसको बनाना बहुत ही इजी है और मैंने बहुत ही सिंपल वे में सिखाया हुआ है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए, अपने कमेंट जरूर भेजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर की साड़ियाँ ली हुई हैं और इसको आप पुरानी चादर से भी बना सकते हैं या फिर चुन्नी हो तो चुन्नी से भी बना सकते हैं या फिर अगर टेबल मैट बनाना चाह रहे हैं तो आप मैक्रम से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने 2 इंच में कट किया है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है और देखिए लंबाई करीब 2 मीटर है। ऐसे जितनी मेरे पास है वो मैं पूरी ले ली लंबाई, आप कम ज़्यादा भी इसकी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक पट्टी लूंगी जिसको मैंने बीच से फोल्ड कर लिया। ये देखिए, इधर से बराबर करके ऐसे और बीच सेंटर से इसको रखेंगे और देखिए यहाँ से ऐसे इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लिया मैंने। ऐसे फंसाएंगे इसमें से निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे निकाल दिया, इसको टाइट करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसमें 5 पट्टियाँ फंसाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 5 पट्टी फंसा ली है, 1 2 3 4 5। अब देखिए, इन दोनों को इसमें से निकाल देंगे ऐसे और इसको थोड़ा सा खींच देंगे। ये देखिए, हल्का सा खींचेंगे इसको ऐसे सेट करके, इस तरह से इसके पास में लाएंगे ऐसे और इसको खींच देंगे। तो ये होल छोटा सा जितना आपको चाहिए उतना ये हो जाएगा। ये देखिए, तो अब ये मेरे पास 6 हो गई। देखिए, उसको भी मैंने इसी में कर लिया और देखिए 6 पट्टियाँ इस तरह से हो गई। ये देखिए, इस तरह से 2 पट्टियाँ हैं हमारे पास। अब मैं 1 पट्टी लूँगी और इस तरीके से देखिए यहाँ से घुमाया इसके नीचे से इसको और इसमें से इस वाली पट्टी को निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए, और यहाँ पे ये नॉट लगा के ऐसे खिसका देंगे इसके पास में, टाइट कर देंगे थोड़ा सा ऐसे। अब देखिए, हम यहाँ से रेड पट्टी लेंगे तो रेड को भी इसी तरीके से सेंटर से ले आएंगे और यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से ऐसे निकाला और देखिए इसके नीचे से इसको और इसके अंदर से इसको ऐसे ऐसे खींच देंगे और इसको पास में कर देंगे थोड़ा सा ऐसा, ये इधर कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम ऑरेंज कलर की पट्टी फंसाएंगे तो उसको भी हमने ऐसे ही फंसाना है। तो हम 2 ऑरेंज की फंसाएंगे, ये देखिए ऑरेंज की भी ऐसे मैंने इसमें से निकाल दी और इसको टाइट कर दिया यहाँ पे। आप देखिए, यहाँ पे 1 रेड की और डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 रेड की आ गई और लास्ट में 1 फ्रोजी। ये देखिए, इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 6 पट्टियाँ फंसा दी हैं। एक पहले फ्रोजी की फंसाई, फिर रेड, 2 ऑरेंज, फिर रेड, फिर 1 फ्रोजी। अब देखिए, जो सेंटर की पट्टियाँ हैं उनको हम ऐसे ट्विस्ट करा देंगे। ये देखिए, जो सेंटर वाली है इसको हम ऐसे देखिए नॉट लगाएंगे इसमें ऐसे। ये देखिए, एक नॉट लगा दी इसमें मैंने, इसको खींच देंगे। अब देखिए, इसको हमने इधर कर लिया, 1 पट्टी इधर को कर लेंगे। अब देखिए, फर्स्ट वाली पट्टी जो फ्रोजी वाली है उससे हम नॉट लगाएंगे ऐसे। ये देखिए, 2 नॉट लगाएंगे ऐसे, उसके बाद हम रेड लेंगे तो रेड से लगाएंगे, 2 2 नॉट लगाते हुए। अब देखिए ऑरेंज, तो ऑरेंज से भी ऐसे ही दूसरी वाली ऑरेंज,
अब देखिए यहाँ पे ये फ्रोजी वाली ऑरेंज के बाद लास्ट में रेड की आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से मुझे पाइपिंग करनी है। ये देखिए इधर की पाइपिंग हो गई। अब देखिए जो ये वाला धागा है इसका कपड़े की पट्टी, इसको हमने इधर कर लिया और इधर वाली जो फर्स्ट वाली है उससे हम लगाएंगे। ये देखिए इनको हमने ऐसे नीचे कर लिया और ऊपर से इसको ऐसे ले आते जाएंगे और बराबर में इसको नॉट लगाते जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले फ्रोजी ली, फिर रेड, अब ऑरेंज, उसके बाद दूसरा ऑरेंज, दूसरी पट्टी, अब देखिए यहां से ये फ्रोजी। अब ये रेड वाला, ये देखिए इस तरह से इधर भी पाइपिंग हो गई और ये वाला धागा ऐसे हो गया। आप देखिए यहाँ से हम सेंटर से आपको ध्यान रखना है, ये धागे की पट्टी आपकी जो जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। देखिए दो सेंटर की पट्टी मैंने ली और यहाँ से हमने एक नॉट लगा लिया ऐसे। ये देखिए नॉट लगाने के बाद इस पट्टी को हमने इधर कर लिया, इससे हम इधर की पाइपिंग पहले करेंगे। अब जो जैसा है उसको हम वैसे ही पाइपिंग करते जाएंगे, दो दो नॉट लगाते हुए। एक बार निकाला और दूसरी बार इसी में से ऐसे। ये देखिए इधर की एक पट्टी ये पाइपिंग हो गई। अब देखिए दूसरी वाली हम इधर को करेंगे, रेड लेंगे और यहां से ऑरेंज। अब इधर जो जैसा है उसको हम वैसे ही पाइपिंग करते जाएंगे, दो दो बार नॉट लगाते जाएंगे। अब ये फ्रोजी वाली, फिर रेड वाली, इधर भी हो गई। आप देखिए सेंटर के जो रेड आ गए हैं इनको हम पकड़ेंगे और इनमें से नॉट लगाते जाएंगे। देखिए एक लगा दी, इसको हम इधर कर लेंगे। अब ऑरेंज से लगाएंगे, इसी तरीके से देखिए लास्ट तक इसको लगा देंगे। अब इधर की ये रेड वाली, आप देखिए ये सेंटर वाली ऑरेंज आ गई। तो एक एक इस तरह से लगाते जाएंगे। अब ये ऑरेंज ये वाला लेंगे, ऑरेंज की पट्टी, और इससे नॉट लगाएंगे। अब जो जैसा है उसको वैसे ही बनाते जाएंगे। इधर देखिए ये वाली ऑरेंज इधर आ गई एक पट्टी,
ये देखिए ऐसे। अब ये वाली ऑरेंज इसमें नॉट लगा ली, अब फ्रोजी से लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब एक ये इस साइड आ जाएगी तो ये फ्रोजी से आ जाएगी। उसके बाद रेड से ये देखिए ऐसे इधर ही आ गई सभी पट्टियां। और लास्ट में आप देखिए ये वाली फ्रोजी वाली इसकी नॉट लगाई, उसके बाद हम रेड से इसको ऐसे ये देखिए एक इधर आ जाएगी। अब देखिए लास्ट में हमारे पास ये रेड बची, तो रेड की हम ऐसे ये देखिए दो नॉट इसकी लगा दी। ये देखिए इस तरह से एक कली बन के ये कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरह से सभी कलियां बना के कंप्लीट करनी है। और देखिए इस तरह से मैंने ये बना ली है। अब देखिए मैं अगली कली इसमें बनाऊँ तो यहाँ से देखिए इनको हम ज्वाइंट करेंगे। ये अलग अलग बनाई है मैंने दो दो पट्टियों में। अब देखिए इनको हम ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा ये फ्रोजी वाले आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो हम इनको इस तरह से नॉट लगा ऐसे इसकी पाइपिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक नॉट लगा ली। अब देखिए इसको हम इधर कर देंगे, इस वाले को इसको इधर कर देंगे, तो यहाँ से हम पाइपिंग करना शुरू करेंगे। ये देखिए ऐसे। और अब रेड को लेंगे तो रेड से ये देखिए रेड की नॉट लगाई। उसके बाद ये इसको थोड़ा सा लूज बनाएंगे, इसको खींचेंगे नहीं, हल्का सा ऐसे। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ये रेड की आ गई इस तरह से। अब देखिए इसी तरीके से हम इधर की पाइपिंग इतना ही यहाँ तक करेंगे। देखिए सेंटर का जो फ्लावर है उसकी एक पट्टी तक, और बाकी इधर के जो ये हैं इधर वाले में जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसके भी इधर ही के इतना ही लेंगे सेंटर तक के, और इसी में बनाएंगे। अब देखिए इसको हम इस वाली को ले लेंगे और यहाँ से ऑरेंज की करने के बाद रोजी लेंगे। ये देखिए ये रोजी, और लास्ट में देखिए एक ये वाली हमने एक इधर को कर दी एक इधर को, तो इससे हम ऐसे इस तरीके से। अब देखिए जिस तरह से मैंने ये कली बनाई है उसी तरीके से यहाँ पे बनाना है। अब देखिए ये दो हैं सेंटर के, इनको ऐसे एक नॉट लगाएंगे यहाँ पे ये देखिए। अब इससे रेड वाली से इसकी पाइपिंग करते हैं। ये देखिए और जो पट्टी कम पड़ेगी उसको हम जोड़ लेंगे या फिर सिल के या फिर कट लगा के। देखिए इस तरह से इसकी पाइपिंग हो गई। अब इसकी हम इधर को कर देंगे
ये देखो अब ये रेड आ गई, तो हम इसकी रेड की नॉट लगाएंगे सेंटर में ऐसे, और इससे पाइपिंग करेंगे और इससे। अब देखिए यहाँ पे कपड़े की पट्टी कम पड़ रही है, तो देखिए दोनों पट्टियों को मैंने ऐसे रखा, ऐसे फोल्ड किया और थोड़ा सा कट लगा देंगे यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से ये कट लग गया। और देखिए ऐसे इसको पकड़ेंगे यहाँ से और इसमें से निकाल देंगे, या फिर आप सिल के भी मतलब लगा सकते हैं इसमें, जैसे आपको इजी लगे वो आप लगा लीजिए। इसको खींच दिया तो ये ज्वाइन हो। आप देखिए मैं फिर से इसको पाइपिंग करना शुरू करूंगी, जो कम पड़ेगी पट्टी उसको हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। आप देखिए इधर की इस साइड पाइपिंग कर देंगे, ये देखिए आप देखिए ये ऑरेंज वाला, तो इसको ऑरेंज को एक नॉट लगाएंगे और इससे पाइपिंग इसकी करेंगे। तो जी जिस तरह से हमने वो वाली कली बनाई है वही सेम इसमें यहाँ पे आ जाएगी बनके। ये देखिए एक ऑरेंज इधर आ जाएगी। अब देखिए इस पट्टी को भी हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ऐसे जो जैसा कम पड़ता जाएगा उसको हम वैसे ही जोड़ते जाएंगे। देखिए लास्ट में हमारे पास ये फ्रोजी आ गया ऐसे, तो हम इसको यहाँ से नॉट लगा के और देखिए इससे रेड से पाइपिंग कर देंगे। ये देखिए आप इधर को इस वाले से, ये देखिए लास्ट में हमारे पास ये बच्चे हैं, जिस तरह से इसमें ये वाले बच्चे थे उसी तरीके से। इस तरह से ये जुड़ के कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम सारी कलियां बना के कंप्लीट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसको करीब 2 इंच के बराबर हम इसको कट कर देंगे, पूरा इसी तरीके से कट करते जाएंगे।